साथ सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं पांच की आंच। मैं हूं आपके साथ अपर्णा मौजम और पांच की आंच में सबसे पहले बात होगी हरदा की, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई खुलासे भी हो रहे हैं। बात एमपी के बदजुबान अधिकारियों की भी आज हम करेंगे, बताएंगे कैसे प्रदेश में छात्रों की सुरक्षा से किया जा रहा है खिलवाड़। बैतूल में बेलगाम अपराधियों की भी बात आज होगी और बताएंगे अंबिकापुर में टीचर के टॉर्चर से तंग आकर छात्रों ने क्यों दी जान। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके की घटना से पूरा एमपी हिल गया। धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौके पर मौजूद है और इस दौरान धमाके से जुड़े हैरान कर देने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 170 लोग घायल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। न्यूज 18 की टीम भी लगातार मौके पर मौजूद है और घटना की पड़ताल में जुटी है। न्यूज 18 की टीम पटाखा फैक्ट्री के बेसमेंट में भी पहुंची। यहां मलबा हटाने का काम जारी है। यहां और भी शव होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मजदूर थे और अब कोशिश की जा रही है कैसे भी इस इमारत के सबसे नीचे जो तहखाने में जाया जा सके, वहाँ कितने अवैध मजदूर थे और क्या स्थिति थी, यही वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम न्यूज 18 आपको दिखा रहा है तहखाने की, जिसको रास्ता बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं मलबा हटाकर, ताकि यहाँ पर उस घटना के साक्ष्य हैं या कितने लोग थे वो पता चल सके। धमाका कितना जोरदार था इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। फैक्ट्री के नजदीक के इलाके में तबाही का आलम है। घर जलकर राख हो गए हैं, इमारतों के छज्जे दीवारें गिर गई हैं। फैक्ट्री के नजदीक ही प्रशासन ने पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने की मंजूरी भी दी थी। पटाखा फैक्ट्री की दीवार के नजदीक 20 से ज्यादा मकान बनाए गए थे। धमाके के बाद अब ये मकान तबाह हो गए हैं, लोगों की छत भी छिन गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सन ऑफ संतो का मकान है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये सब पीएम आवास योजना के बने मकान हैं जिन्हें कि यहाँ पर बनाया गया था। सब बड़ा दुखद है कि ये वो मकान है जो पीएम आवास योजना में बनाए गए थे और आज पूरी तरीके से इस विस्फोट की जद में आ चुके हैं। फैक्ट्री में हुए धमाके में लोगों की जान गई, छत छिन गई, लोग नाराज हैं, आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया, कमिश्नर कलेक्टर और आईजी को घेरा। हरदा पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट के बाद जो आसपास के घर हैं उनको लेकर यहां पर रहवासी नाराज हैं, सब लोग सड़कों पर उतर आए, जिनके घरों को जो गिरे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, और ये लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कार्रवाई का थोड़ा विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों के गुस्सा ये है कि आखिर क्यों उनके मकान के आसपास जेसीबी चलाई जा रही है। इन्हें डर सता रहा है कि प्रशासन इनके मकानों को मिटाना चाहता है, जमींदोज करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो गुस्सा सामने आ रहा है। रहवासी खुलकर विरोध करने आ गए हैं और देखिए जेसीबी को रोकने की कवायद की जा रही है। जेसीबी के सामने खड़े थे कलेक्टर ऋषि गर्ग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर वो बात सुनने के लिए आए। इधर फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है उनका बुरा हाल है। फैक्ट्री के मजदूरों ने बताया कि धमाके के वक्त वहाँ क्या मंजर था। बुजुर्ग माता जी इस वक्त मेरे साथ हैं। अम्मा, आपके भी परिवारजन इस हादसे में खत्म हुए? खत्म, मेरे बड़े बहू बेटा। अच्छा, और उनके चार बच्चे, एक तीन लड़की एक लड़का है। इतना बड़ा तो शासन प्रशासन के लोग आए, आप तक मदद पहुंचाई है? कोई मदद नहीं, मेरे कोई नहीं मदद नहीं कर, कोई नहीं देखने आया, कोई नहीं आया, कर रहे हैं कहाँ, कर रहे हैं क्या, रह रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है शासन का। आपके जो भैया भाभी हैं वो यहाँ पे काम करते थे फैक्ट्री में? काम नहीं करते थे, बाहर धार की मजदूरी जाते थे। हमारे यहाँ बड़ा छोरा ये भी गए थे, वो आग लगी जब भक्के पैदल आए जब तक बल के राख हो गए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था,
लेकिन शासन लगातार जुटा है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जैसे ही हम तो कैबिनेट की बैठक में बैठे थे और कैबिनेट में ही वही समाचार आया तो तुरंत सरकार जो कर सकती थी, ऐसी घटनाओं में किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन घटना के बाद जो प्रबंधन किए जाना चाहिए थे ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसका उदाहरण भी हमने कल ने सामने देखा है। हमने कोशिश की कल शाम को ही दोबारा प्रदेश भर में कोई दोबारा ऐसी कोई फैक्ट्रिया चल तो नहीं रही है। 24 घंटे के अंदर सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांग रहे हैं ताकि ऐसी घटना कभी कोई उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। वहीं उमा भारती ने इस धमाके पर बड़ी आशंका जताई। उमा भारती ने कहा कि हरदा सीमी का गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकी घटना भी हो सकती है। एक अवैध स्थान पर विस्फोटक सामग्री का होना बनना, इसकी ठीक से जांच हो जाए। इसके पहले भी उस इलाके में सिमी के लोगों की गतिविधियां रही हैं, अगर आपको पता हो तो। ये सारी चीज़ों का ठीक से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे होंगे। ये तो लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध बारूद बनना कि उसका विस्फोट हो गया और ये सब हो गया तो कहाँ से सामग्री जुटी होगी। तो वो तो जब तक इस प्रकार के लोग ना हों जो आतंकी गतिविधि में संलग्न रहते हों, ऐसी सामग्री मिल नहीं पाती। हरदा की घटना से पूरा देश दहल उठा है। शहर बारूद के ढेर पर था। उमा भारती आतंकी घटना का भी शक जता रही है। पड़ताल होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में अधिकारियों की बदजुबानी की बात होगी। अधिकारियों की बदजुबानी पर लगाम नहीं लग रही है। लगातार कार्रवाई भी हो रही है। रतलाम के गालीबाज एसडीएम को हटा दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ऐसे अधिकारियों पर सख्त हैं। लेकिन पद के नशे में चूर अधिकारी हैं कि मान ही नहीं रहे। कार्रवाई तो हो गई है। ये बदजुबानी रतलाम के जावरा एसडीएम अनिल भाना को भारी पड़ गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गालीबाज अधिकारी को हटा दिया। कार्रवाई तो हो गई है लेकिन ये लग रहा है कि एमपी में बदजुबान अधिकारियों की बाढ़ सी आ गई हो। शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल ने ड्राइवर को औकात बताई थी। देवास के तहसीलदार अंजलि गुप्ता ने किसानों को चूजा बताया था। जावरा के एसडीएम अनिल भाना तो इससे भी आगे निकल गए। इन्होंने किसानों से गाली गलौज की। बताया जा रहा है कि वो बड़ाला 84 गांव में रेलवे की जमीन अधिग्रहण में मुआवजे से नाराज किसानों से मिलने पहुंचे थे। नाराज किसानों से बातचीत के दौरान अधिकारी भड़क गए और गालियां देने लगे और बाद में सफाई भी दी। कहा था कि फ्रस्ट्रेशन में ये अपशब्द निकल गए थे। मैंने इनको समझाया, सब एक डेढ़ घंटे इनसे बातचीत होने के बाद फिर इनकी तरफ से अपशब्दों का प्रयोग मुझे प्रशासन को, शासन को, अधिकारियों को लेके होने लगा। तो हमने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें जो समझ में आया तुम करो। और ऐसे में फ्रस्ट्रेशन में और हम निकल आए वहां से, फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत शब्द निकल गया। लेकिन अधिकारी का ये तर्क काम नहीं आया। शाजापुर कलेक्टर देवास के तहसीलदार महिला कर्मचारी से जूते के फीते बनवाने वाले और युवकों की पिटाई करने वाले अधिकारी की तरह इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। एक और गालीबाज अधिकारी हैं, तो ऐसे कलेक्टर भी हैं जिन्हें पद का नशा नहीं है। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने एक अनूठी पहल की। इन्होंने अपनी गाड़ी पर लिखी नेम प्लेट बदल दी। पहले यहाँ कलेक्टर लिखा था लेकिन अब यहाँ लोक सेवक लिखा हुआ है। कलेक्टर ने पहल क्यों की, आइए जानते हैं। अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं, उनके मालिक नहीं। कलेक्टर तो ये मान गए लेकिन प्रदेश में कई अधिकारी हैं जो लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और सीधे अब आपको ले चलते हैं हरदा, जहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यहां पर घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं हरदा में सीएम डॉक्टर यादव, जहां पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। विरोध कर रहे हैं लोग, धरने पर बैठे हैं। आपको मिलना था, मिलने किसने नहीं दिया? नहीं, पुलिस शासन ने भी नहीं मिलने दिया हमें, प्रशासन ने नहीं मिलने दिया। आप देखिए, और भी हम रहवासियों से बात करते हैं। क्या धारा है? पुलिस बंदा क्या धारा है? सीएम मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं आप इन ग्रामीणों का गुस्सा, कितने आक्रोशित हैं ये लोग।
और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। जी हाँ, एक माँ ने अपने बेटे और बहू को खो दिया। तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, उनसे अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से जब उन्हें रोका गया तो इस बात से ये आहत हैं, नाराज हैं और इसीलिए यहाँ पर अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। घायलों का सीएम ने इससे पहले हालचाल जाना था अस्पताल में और यहाँ पहुंचे जहाँ पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। घटनास्थल का दौरा करने के लिए सीएम पहुंचे थे यहाँ पर। सभी घायलों का मुफ्त इलाज होगा, ये बात कही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, लेकिन शायद इतना काफी नहीं है। ये उस समय की तस्वीरें जब घटनास्थल पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कमल पटेल पूर्व मंत्री आपको उनके साथ नजर आ रहे होंगे, जायजा लिया था घटनास्थल का। सीएम ने जाना था अधिकारियों से, वहां पर मौजूद अधिकारियों से कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई और अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन ग्रामीण भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उनमें गुस्सा है, आक्रोश है और यही वजह है कि धरने पर बैठ रहे हैं। सीएम से मुलाकात की उनकी मांग है, लेकिन सीएम से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ये उस समय की तस्वीरें जब सीएम घटनास्थल पर पहुंचे हालातों का जायजा लेने के लिए, और इससे पहले अस्पताल भी गए थे जहां पर घायलों का इलाज चल रहा था।